साउथ कोरियन फूड कंपनी उरियन राजस्थान में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करेगी। साउथ कोरियन फूड कंपनी उरियन ने कहा कि उसने राजस्थान के भिवाड़ी में एक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है और अगले 2 वर्षों में भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए 1000 लोगों को नियुक्त करने की योजना है। कंपनी ने कहा कि उसने देश में ब्रांड के विकास को बढ़ावा देने के लिए पहले ही 250 कर्मचारियों को शामिल कर लिया है और अगले 2 वर्षों में अपनी भारतीय टीम में 1000 और जोड़ने का लक्ष्य है। 17,385 वर्ग मीटर में फैला यह संयंत्र भारत में अपने विकास अभियान के हिस्से के रूप में अपने जल्द ही पेश किए जाने वाले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के साथ मूल चोको पाई का उत्पादन करेगा। नई फैक्ट्री ओरियन की विस्तार योजनाओं का समर्थन करेगी और भारतीय उपभोक्ताओं की स्वाद वरीयताओं को पूरा करेगी। कंपनी ने कहा कि भारत में कोरियाई उत्पादों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ओरियन अपनी भारत की योजनाओं के बारे में आशावादी है और संगठन के भीतर अपनी टीमों को सक्रिय रूप से बढ़ा रहा है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि संयंत्र भारत में अपने विकास अभियान के हिस्से के रूप में अपने जल्द ही पेश किए जाने वाले प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का भी उत्पादन करेगा। कंपनी कथित तौर पर अपने पोर्टफोलियो में मेड इन इंडिया उत्पादों को जोड़ने की योजना बना रही है और आने वाले महीनों में भारतीय उपभोक्ताओं के लिए और अधिक वैश्विक पेशकश पेश करेगी। ओरियन भारत में चोको पाई के उत्पादन के लिए कन्फेक्शनरी विशेषज्ञ मान वेंचर्स के साथ काम करेगा। नया संयंत्र स्थानीय स्वाद वरीयताओं को भी पूरा करेगा और चोको पाई की 100% वेजिटेरियन रेंज तैयार करेगा। हमारी अत्याधुनिक भारत विनिर्माण सुविधा हमारे विस्तार अभियान की दिशा में एक कदम है जो न केवल हमें घरेलू बाजार के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाने की अनुमति देगी बल्कि हमें भारतीय उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं के अनुसार हमारे उत्पादों को तैयार करने में भी मदद करेगी, ओरियन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ सेठ ने कहा। सौरभ सेठ ने आगे कहा कि कंपनी के फूड और ओरियन की विशिष्टताओं को भारतीय उपभोक्ताओं के स्वाद के अनुरूप पेश करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। उन्होंने कहा, 1.3 बिलियन की आबादी के लिए करीब $15 बिलियन के सालाना कन्फेक्शनरी बाजार को देखते हुए हमारे जैसे खिलाड़ी के लिए काफी संभावनाएं हैं। भारत कन्फेक्शनरी फर्म का 10वां विदेशी उत्पादन आधार है जिसकी वियतनाम, रूस, चीन और अन्य स्थानों में भी विनिर्माण इकाइयां हैं।